स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2 टी में। आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में हम बात करेंगे कंप्यूट स्टिक के बारे में और कंप्यूटर स्टिक के बारे में। तो आइए देखते हैं वो क्या है। तो आइडिया कंप्यूटर स्टिक का बहुत सिंपल है। ये बड़ा सा CPU जो बक्सा हम लोग देखते हैं हर चीज़ में, उसको एक पेन ड्राइव में डाल देना है और कोशिश करना है, मतलब पेन ड्राइव जितना छोटा नहीं होगा लेकिन कोशिश की जा रही है। और एक सिंपल PC बनाना है, इनको गेमिंग PC नहीं बनाना है, इनको वर्क स्टेशन नहीं बनाना है, वीडियो एडिटिंग रिग नहीं बनानी है, कोई सिंपल PC बस, जिसमें मान लीजिए आप स्प्रेडशीट का काम कर लें, जिसमें आप ईमेल वगैरह चेक कर लें, बेसिक सिंपल काम के लिए एक सिंपल कंप्यूटर। और बहुत लोगों के पास पुरानी TV होती हैं जो कि मतलब LCD है या LED है, बड़ा स्क्रीन है, लेकिन उस स्मार्ट TV नहीं है, तो आप ये लगा सकते हैं। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप बोलोगे नहीं यार मैं अमेज़ॉन स्टिक ले लेता हूँ या ये सब ले, वो कंप्यूटर नहीं दे रहा है, वो आपको एक सिर्फ एक काम कर पाएगा। अगर आप ये ले तो आपको एक फुल फ्लेज्ड विंडोज़ PC मिल रहा है विथ ओरिजिनल लाइसेंस। तो आप उसमें हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, आप उसमें इंटरनेट से देख सकते हैं, आप सारे काम आराम से कर सकते हैं जो कि आप एक नॉर्मल कंप्यूटर पे कर पाते हैं। आपको ऐसा नहीं होगा कि इनका रिमोट दिया उसी रिमोट पे बात करो या उस पर टाइप करो, कीबोर्ड माउस लगा के आप आराम से काम कर सकते हैं। तो इसलिए आइडिया ऑफ कंप्यूटर स्टिक आ गया मार्केट में। तो आइए देखते हैं कि हम लोग को मिला क्या। आइडिया तो ये है, तो मिला क्या हम लोग को मिला इंटेल, आसूस, लिनोवो और आईबॉल भी बनाता है, इंटेक्स भी बनाता है। तो ये सारे कंपनी मिलके एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कंप्यूटर स्टिक मार्केट में। इंटेल था जो ये ट्रेंड स्टार्ट करना चाह रहा था और इंटेल अभी भी बना रहा है। और ये एक लो स्पेक PC है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इसको खरीदिएगा तो हाँ 16 GB रैम नहीं मिलने वाला, 8 GB भी नहीं मिलेगा, बहुत हुआ तो आपको 4 GB मिलने वाला है। ये लो स्पेक कंप्यूटर है, मतलब हल्के काम के लिए बनाया गया। आप इसको मत सोचिए कि इसको लेके आप एकदम पूरा वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं, नहीं होने वाला, बैंड बच जाएगी। ये सिर्फ लो स्पेक है। और इसका दाम आप पूछोगे, ठीक है चलो है तो है, मतलब एक कंप्यूटर इतना छोटा किया तो दाम कैसा है? इसका दाम लगभग एक स्मार्टफोन जितना है, छोटे ग्रेड का स्मार्टफोन, लाइक फ्लैगशिप नहीं, S9 के बराबर का नहीं है। और आप इंडियन में देखना चाहोगे तो आपको 10 से 15 हज़ार के अंदर ये सब मिलते हैं, तो दाम भी इनका ठीक है, तो सब चीज़ बहुत बढ़िया है। तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये हुआ कि आजकल के सारे TV स्मार्ट TV आ गए, और जनरली जो लोग ये खरीदना चाह रहे थे वो मेनली इसलिए चाह रहे थे कि वो इंटरटेनमेंट देख सकें, तो स्मार्ट TV तो वो अब कर ही लेता है, तो पहला तो वहीं उनका मार्केट खत्म। दूसरा, स्मार्टफोन अभी इतना स्पीड से ग्रो कर रहा है कि ऑलमोस्ट स्मार्टफोन एक ऑलमोस्ट डेस्कटॉप हो गया है मोस्ट लोगों के लिए। मतलब जैसे मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, मुझे मेरे लिए नहीं है, लेकिन बहुत लोग जो सिर्फ ईमेल उमेल कर रहे हैं या जिनका काम कोई और चीज़ का है, कंप्यूटर बस उनके लिए जस्ट कंप्यूटर है, देख रहे हैं, इंटरटेनमेंट है, कम्युनिकेशन है, उसके लिए एक स्मार्टफोन कई साल से कर पा रहा है, अब तो उसके लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन करा। ये मैं आपको HP का फ़ोन दिखा रहा हूँ, ये है सैमसंग का जो कुछ ही एक दिन पहले अनाउंसमेंट किया गया है। ये गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी Note 9 है, जिसको ये लोग सीधे सीधे कोशिश कर रहे हैं कि इसको एज ए कंप्यूटर यूज़ किया जा सके। आपको USB-C पोर्ट से ही डायरेक्ट HDMI आउटपुट मिल जा रहा है, आप लगाइए आराम से, टच स्क्रीन में ही टाइप कीजिए या कीबोर्ड माउस ब्लूटूथ से कनेक्ट करके काम कीजिए, डायरेक्ट कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब ये आपके पॉकेट में, आप निकालिए लगाइए काम कीजिए। एंड्रॉयड को थोड़ा आगे अभी जाना है, एंड्रॉयड भी फुली रेडी नहीं है PC की तरह यूज़ होने लायक, लेकिन जा रहा है, पहुंच रहा है, ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है। और आपको ये सब समझना पड़ेगा, ये सारे डिवाइस कई लाख पीसेस बनाए जाते हैं, कई लाख पीसेस। जैसे सैमसंग के नोट जनरली 50 से 60 मिलियन पीस मिनिमम बनते हैं, तो और कंप्यूटर स्टिक बहुत कम बनाया जाता है, मतलब कुछ कई लाख PC बनाते हैं। तो उससे आप जितना ज़्यादा मास मैन्युफैक्चरिंग करोगे आपके दाम उतने कम हो जाएंगे, लेकिन अगर आप कुछ ही पीस बनवाते हो, जैसे मान लो 1-2 लाख पीस, आपको लग रहा है 1-2 लाख पीस बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको बताए एक बड़े कंपनी का एक एक मॉडल उतना बिकता है, तो कई लाख पीसेस बनाना ज़रूरी होता है दाम कम रखने के लिए। तो कंप्यूटर स्टिक में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया, इसके लिए दाम इसका सही नहीं है। मतलब दाम 10-15 हज़ार ठीक है, लेकिन मतलब उसका दाम एक्चुअली, मतलब सब इसके हिसाब से कंपेयर कीजिएगा तो बेयरली 8-9 हज़ार का होना चाहिए, बेयरली 5-6 हज़ार के अंदर मिल जाए तभी इसका दाम रहेगा, लेकिन क्योंकि ये कई करोड़ पीसेस नहीं बनाए जा रहे हैं तो उतना सस्ता नहीं है। तो ये सब मिला के कि स्मार्टफोन ऑलमोस्ट आ गया, स्मार्ट TV आ ही गया है, और आपका मतलब आप इसको मास प्रोडक्शन कर नहीं सकते तो दाम घटा नहीं सकते, तो ये सब मिला के कंप्यूटर स्टिक एक मरने वाली चीज़ हो गई है। ये कुछ ही साल अब आने वाले मार्केट में रहेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फेड आउट हो जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कंप्यूटर स्टिक के बारे में। मुझे लग रहा है कि आपको मज़ा आया हो या कुछ सीखने को मिला हो। अगर वैसा है तो लाइक कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट लिखिए कि आप क्या देखना चाहेंगे कंप्यूटर वेडनेसडे में अगले दिन, और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, मैं वीडियो हर दिन बनाता हूँ। और आपने मेरा चैनल देखा, इसके मुझे बहुत खुशी है, और इसके लिए धन्यवाद।